येसूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ये वी हैव स्टार्ट द चैप्टर नंबर अलेवन एल्हल्स एंड ईथर इन विच वी हैव डन द क्लासीफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स वी विल डू द नॉमन क्लेचर ऑफ एल्कोहल फिनोल्स एज वेल एज ईथर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द क्लासीफिकेशन ऑफ ईथर तो आज हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली नॉमन क्लेचर करेंगे एल्कोहल का फिनोल्स का ईथर का सो लेट एस सी ऑफ़ बेसिकली लिखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल्स की नॉर्मन क्लीचर ऑफ अल्कोहल्स देखो एल्कोहल का अगर हम आई नेम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे रूटवर्ड एल्क उसमें लगाएंगे एन अगर वहां पे सिंगल बोन्ड हुआ सारे के सारे तो एन आएगा अगर वहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ तो ई e आएगा ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आईन आएगा तो ये होता है प्राइमरी सफिक्स इसमें से माइनस करेंगे ई e और प्लस कर देंगे ओल जहाँ पर भी ए आई ओ यू और वाई आएगा तो यहाँ से ई e सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बेसिकली क्या बन जाएगा एल के नॉल इज इट क्लियर क्या बन जाएगा एल सो नाउ लेट एस सी सी एच थ्री सी एच टू एच दिस इज एन एल्कोहल देर आर टू कार्बन सो आई यू पी एस सी नेम क्या होगा बच्चों सी एच थ्री सी एच टू अच्छा कॉमन नेम कैसे लिखेंगे बच्चे उसमें कॉमन नेम लिखने के लिए हमको यहां पर क्या ढूंढना होता है एल्काइल ग्रुप सो हेयर एल्काइल ग्रुप इज दिस सो इथाइल इथाइल एल्कोहल नाउ सेकेंड मोलिक्यूल सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच सो देर आर थ्री कार्बन इन अ चेन सो इट्स आई यू पी एस ने प्रॉप एन नेसिकली बच्चों हम यहां पर पोजिशन भी बताते हैं लोकन भी बताते हैं फंक्शन ग्रुप का तो बेसिकली यहां पर फंक्शन ग्रुप की पोजिशन जो है वन ही आ रही है तो दैट्स वाई हम यहाँ पर सिंपली ऑल रिखले है मतलब कि यहां पर वन को लिखना इतना जरूरी नहीं होता इसलिए हम यहां पर सिंपली ऑल लिख लेते हैं ठीक है ना चलिए नेक्स्ट कॉमन नेम क्या होगा एन प्रोपाइल एल्कोहल थर्ड वन इज सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री इन दिस मोलिक्यूल देर आर ऑल्सो थ्री कार्बन सो आई यूपीएससी नेम तो यहाँ पर पोजिशन देंगे बच्चों ओ OH एच की वन टू एंड थ्री सो पोजिशन ऑफ ओ एच इज लोकेंट ऑफ ओ एच इज टू सो द नेम ऑफ दिस मोलिक्यूल इज प्रॉप एन टू ऑल नेक्स्ट कॉमन नेम हेयर द एल्कोल ग्रुप इज हेयर द एल्का ग्रुप इज आइसो प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल आप लोगों को मैंने क्लास इलेवन के टाइप्स ऑफ एल्कोहल ग्रुप कराया तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं आइसो प्रोपाइल और साथ में लग जाएगा एल्कोहल क्स्ट मोलिक्यूल सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एच थ्री सो दे कार्बन इन अ चेन सॉरी फोर कार्बन इन अ चेन सो आई यू पी एस नेम ऑफ दिस मोलिक्यूल सो वी विल गिव द लोकेंड टू द्रुप वन टू थ्री फोर लोएस्ट लोकेंड आया टू अगर इधर से चलते हैं तो थ्री आएगा तो यहां पर क्या लिखेंगे ब्यूटेन टू ऑल बट अगर हम कॉमन नेम लिखें, कॉमन नेम में क्या होगा बच्चों एल्काइल ग्रुप ढूंढना है तो यहां पर ओ OH एच इस कार्बन पे कनेक्टेड है और ये कार्बन कैसा सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये दो कार्बन तो ये क्या हो जाएगा सो नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन इज सी एच थ्री सी एच CH3, CH2, OH. सी एच टू ओ एच हेयर इन दिस मोलिकूल दे इज ऑल्सो फोर कार्बन यहां पर भी चार कार्बन है तो यहां पर बच्चों आई यू पी एस नेम कैसे लिखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ थ्री कार्बन चेन ये तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी तो लॉकेट देंगे ओ OH एच को प्रेफरेंस देंगे तो यहीं से काउंट नंबरिंग स्टार्ट होगी वन टू एंड थ्री तो टू पर कौन आया मिथाइल ग्रुप टू मिथाइल थ्री कार्बन है तो प्रॉप एन वन ऑल या सिंपली ऑल भी लिख सकते हैं कॉमन नेम तो आपका एल्का ग्रुप ढूंढना पड़ेगा यहां पर तो ये एलकाइल ग्रुप है इस ग्रुप का क्या नेम होगा आइसो ब्यूटाइल क्योंकि देखो इस चेन के दोनों तरफ कैसे हैं सेम एल्का ग्रुप है तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल तो इस तरीके से बच्चों एल्कोहल्स के नेम लिखते हैं नाउ वी विल सी द सम समिक साइक्लिक मॉलिक्यूल्स एच सी एच थ्री तो आई यू पी एस नियम बच्चों क्या होगा इसका सो वी विल गिव द प्रेफरेंस टू द तो नंबरिंग वन टू थ्री सो दिस सी एच थ्री ऑक्यूपाई द सेकेंड लोकेंट पोजिशन एंड ओ एच अक्वायर द फर्स्ट सो द पोजिशन इज टू मिथाइल मिथाइल की पोजिशन क्या है रिंग में सेकेंड पे और ओ OH एच की वन पर तो टू मिथाइल और ये साइक्लिक फॉर्म में तो साइक्लो और कितने कार्बन चेन है सिक्स तो साइक्लो हैग्स सारे सिंगल वोड है साइकिल के अंदर एन एन का ई हटेगा क्योंकि आ रहा है ऑल तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका नेम लिख लेते हैं साइकिल फॉर्म का अब यहाँ पर हम आ, फिनॉल्स का नेम लिखेंगे तो देखिए नॉर्मली सबसे पहले फिनॉल आपको बताना चाहिए बेंजीन के ऊपर ओ OH, एच तो बेसिकली क्या है फिनॉल अगर मैं बेंजीन में साथ में कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ देता हूँ सपोज ये अल्काइल ग्रुप है तो इसका नेम क्या होगा आई यू पी एस सी नेम देखिए वन टू टू पे आ रहा है मिथाइल तो टू मिथाइल और अगर हम मिथाइल को हटा दे तो बन जाता है फिनॉल तो टू मिथाइल फिनॉल और अगर कॉमन नेम देखें इसका आपको पता है फिनॉल के रेस्पेक्ट में मेटा पैरा पोजिशन आती है तो दिस इज ऑर्थो पोजिशन तो टू पर कौन आया मिथाइल ग्रुप मतलब कि ऑर्थो पे कौन आया मिथाइल ग्रुप तो ओर्थो मिथाइल या सिंपली हम इसका एक कॉमन नेम वैसे होता है क्रिसोल ओर्थो क्रिसोल सिंपली हम ये लिख लेते हैं क्रिसोल नेक्स्ट वन एच थ्री आई यूपीएस नेम तो आप देखेंगे वन टू थ्री थ्री थर्ड पोजिशन पे आया है. 1 2 3 so 3 methyl phenol and the common name is meta chrisol third one oh and ch 3 z at para position so i name so one, two, three, four. तो फोर्थ पोजीशन पे आया लोकेंड क्या है इसका फोर्थ तो फोर मिथाइल फिनॉल इज इट क्लियर नाउ द कॉमन नेम कॉमन नेम इज ऑर्थो सॉरी पैरा क्रिसोल पैरा क्रिसोल तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर आई यू पी एस सी नेम लिखते हैं फिनॉल्स के सो नाउ वी विल यू पी एस सी नेम ऑफ ईथर्स सो लेट अस सी नेम एंड कॉमन नेम ऑफ ईथर्स एक्चुअली बच्चों ईथर्स का जो फंक्शन ग्रुप होता है कुछ इस तरीके से होता है ओ और दोनों तरफ वैलेंसी खाली होती है यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप आ सकते हैं एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया था दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं तो हम इसका नेम कैसे लिखते हैं एलकॉक्सी एल्कोक्सी एल्केन ये क्या है आई यूपीएससी नेम और जब कॉमन नेम लिखते हैं कॉमन नेम के लिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं बेसिकली एल्काइल्स यूज करते हैं एल्काइल और लास्ट में लग जाता है ईथर जैसे इसमें था ना एल्काइल ग्रुप ढूंढा और लास्ट में लगा दिया एल्कोहल तो ऐसे यहां पर एलकाइल्स अगर यहाँ पे एक अल्का ग्रुप है तो एक एलका ग्रुप लिख लेंगे दो अल्लाइल ग्रुप है तो दो अल्का ग्रुप ग्रुप के बारे में लिखेंगे और साथ में लास्ट में लिख देंगे ईथर ठीक है तो देखते हैं सपोज सब, सी सबो, एच थ्री ओ सी एच टू सी एच थ्री सपोज दिस इज अ मोलिक्यूल इन दिस मोलिक्यूल द इज़ अ टू कार्बन चेन एंड द वन कार्बन चेन तो हम लॉन्गेस्ट चेन को लेंगे मेन चेन तो टू कार्बन वाली हमारी जो चेन होगी वो लॉन्गे मेन चेन हो जाएगी और जो ये सी एच थ्री है इस ओ के साथ जाएगा तो इसका यू पी एस नेम क्या बनेगा बच्चों यूपीएस नेम इज मिथॉक्सी एंड दिस वन इज इथेन इथेन नाउ कॉमन नेम इज कॉमन नेम क्या होगा बच्चों कॉमन नेम ये, है, आ, इधर ये है इधर ये मिथाइल है, है इधर ये इथाइल है एल्काइल ग्रुप है ना इधर मिथाइल इधर इथाइल तो ई e पहले आता है तो इथाइल मिथाइल ईथर इज इट क्लियर सपोज सी एच थ्री ओ सी एच थ्री दोनों तरफ सेम हो गया तो आई नेम तो दोनों तरफ से किधर भी हम मेन चेन ले लेंगे क्योंकि एक एक कार्बन चेन है तो कोई से से किधर भी ले लो तो मतलब कि एक सी एच थ्री के साथ वो चला जाएगा और एक सी एच थ्री हमारी मेन चेन बनेगी तो क्या होगा मिथॉक्सी मिथॉक्सी मिथेन एंड कॉमन नेम ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे डाय मिथाइल ईथर इज इट क्लियर सो नेक्स्ट वन इज सी एच थ्री ओ सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री अब देखिए हमारी मेन चेन कौन सी हो गई ये होगी मेन चेन इस मेन चेन में ये हमारा क्या हो गया सब्सिट्यूंट हो गया तो मेन चेन में ये हमारा जो ये जो ईथर ग्रुप है मेन चेन में कौन सी पोजीशन पे आ रहा है वन टू थ्री सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है बाकी सब जगह देखो यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था यहां पे वन टू तो इसलिए यहां पर हमने नंबरिंग नहीं करी यहां पर लॉक एंड देखना पड़ेगा तो आई यू नेम क्या होगा बच्चों तो यहां पर टू पर आया मिथॉक्सी टू मिथॉक्सी और ये तीन कार्बन चेन है तो, प्रोपेन टू मिथॉक्सी प्रोपेन नाउ वी विल सी कॉमन नेम कॉमन नेम इज एक्चुअली यहां पर एल्काइल ग्रुप कौन है एक ये है और एक ये एलकाइल ग्रुप है तो ये मिथाइल है और ये क्या होगा आइसोप्रोपाइल इज इट क्लियर तो यहां पर हम क्या करेंगे मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर तो बच्चों कुछ इस तरीके से हम क्या लिखते हैं आई यू पी एस सी नेम लिखते हैं ईथर्स के और कॉमन नेम इज इट क्लियर सो नाउ वी विल मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ग्रुप्स. कुछ यहां पर मैं स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करूंगा तो आप वो देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप सो लेट अस सी सबसे पहले मैं एक बनाता हूं एल्कोहल कौन सा एल्कोहल ले रहा हूं मैं मीथेनॉल मीथेनॉल एच 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 ओ एच ऑक्सीजन के ऊपर होगा पेयर ये कौन है मीथेनॉल इसमें एंगल जो है यहाँ पर ये यह कितना है 108.9 डिग्री इज इट क्लियर और यहाँ पर जो ये बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन बोन लेंथ यह है 142 पिकोमीटर, <coughs> 142 पिकोमीटर. नेक्स्ट वन इज़ मैं लेता हूँ फिनॉल ओ एच यहाँ पर दो लोन पेर होंगे यहाँ पे जो एंगल है वो है 109 डिग्री और जो यहाँ पर ये बोन लेंथ है ये वाली बोन लेंथ ये है 136 पिकोमीटर एंड नेक्स्ट ये कौन है फिनॉल एंड लास्ट वन इज़ ईथर एच 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 ओ सी एच 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 तो यहाँ पर जो एंगल है वो है 111.5 डिग्री सॉरी 7 डिग्री और यहाँ पे जो बोन लेंथ है वो है 141 पिकोमीटर तो यहाँ पर हमको इनके मॉलिक्यूल्स ये सब जो है इनको एक दूसरे से कंपेयर करना है तो देखिए यहाँ पर बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो एंगल आ रहा है एल्कोहल के केस में अच्छा ये क्या कौन है मिथॉक्सी मिथेन इसका नेम है मिथॉक्सी मिथेन इधर भी इथाइल है सॉरी इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, है अब देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है फिनॉल के केस मिथौल मिथिनॉल के केस में 108.9 डिग्री तो यहाँ पर जो एंगल है टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है सपोज मैं सी एच फोर का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पर तो ये टेक्ट्राइडल स्ट्रक्चर है तो टेट्राइडल स्ट्रक्चर में एंगल कितना होता है वन हंड्रेड पॉइंट फाइव डिग्री ठीक है ना क्योंकि यहाँ पे एक चार एक तो चार बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर हैं दो लोन पेयर हैं है तो चार ही इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहाँ पर जो एंगल है टेट्राइडल के कंपेरेटिवली कम क्यों आ रहा है कारण ये है बिकॉज एट ऑक्सीजन देर आर टू लोन पेयर्स एट ऑक्सीजन देर आर टू लोन पेयर्स विच फेस रिपल्शन एक्चुअली आप लोगों को पता है क्लास इलेवन में आप लोगों ने पढ़ा है लोन पेय लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है एंड सबसे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में सो so, यहाँ पर बेसिकली देर आर टू लोन पेयर्स सो दे फेस वेरी मच रिपल्शन एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे आफ्टर दैट दिस लोन पेयर क्योंकि दोनों से जब दोनों एक दूसरे रिपल्शन फेस करेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो बेसिकली ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल्शन करेगा और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल्शन करेगा तो so, जब ये रिपल्शन करेंगे जिसकी वजह से बॉन्ड पास पास आ जाएंगे और एंगल यहाँ से इसके कम्पेटिवली कम हो जाएगा अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है दो लोन पेयर है बट अगर हम यहाँ पर देखें ईथर के केस में इसके कम्पेरेटिवली ज़्यादा हो गया जबकि यहाँ पर भी लोन पेयर है बट यहाँ पर एंगल क्यों ज़्यादा हुआ कारण ये है बिकॉज यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये विथ एल्काइल ग्रुप्स ये बल्कि अल्काइल ग्रुप्स हैं बिकॉज देर इज अ रिपल्शन बिटवीन द टू बल्कि एल्काल ग्रुप्स विच आर कनेक्टेड विद दिस ऑक्सीजन इनके बीच में क्या होगा रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगा ड्यू टू रिपल्सिव इंट्रेक्शन द बोन्स ऑफ द सी एच थ्री विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल इसके कंपेटिवली ज़्यादा हो जाएगा इज इट क्लियर अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट बोन लेंथ यहाँ पे सी ओ लेंथ वन फोर्टी टू पिकोमीटर यहाँ पे वन थर्टी सिक्स पिकोमीटर यहाँ पे वन फोर्टी वन पिकोमीटर चलो इन दोनों में तो सेम होगी कार्बनऑक्सीड बोन लेंथ यहाँ पर कम क्यों होगी वो देखना है एक्चुअली देखो यहाँ पर जो कार्बन है फिनॉल के केस में ये एस पी टू हाइब्रोडाइज्ड है और जो ये कार्बन है ये एस पी थ्री हाइब्रडाइज्ड है ऐसे ही यहाँ पर ये कार्बन भी एस पी थ्री हाइब्रोडाइज्ड है एज यू नो दैट एस पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन हैज मोर एज करेक्टर ड्यू टू विच इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या होगी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये वाला कार्बन सो इट अट्रैक्ट द शेयर पे इलेक्ट्रॉन टू वर्ड दैट इज वाई दिस बोन विल बिकम स्मॉलर एज कम्पेयर टू दिस सीओ बोन एंड दिस सीओ बोन क्योंकि यहाँ पर एस पी थ्री हाइब्रडाइज हाइब्रिडाइजेशन uh, है तो इनका जो एस करैक्टर है वो उसके कंपेटिवली कम होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी अट्रैक्ट कम करेंगे सो दैट इज़ वाई द फिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्मॉलर देन एज कम्पेयर टू मिथिनॉल मतलब कि एल्कोहल एंड ईथर इज इट क्लियर सो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करते हैं तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं बेसिकली हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाया नॉर्मल क्लेचर के बारे में पढ़ाया सो कल हम प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना करते हैं सो थैंक यू ऑल ऑफ यू